Adam, Adam, what am I saying? So my school is listen. Adam, what is it? Hello. Good day, good morning. Good morning. What am I saying? Hello, ma. School is not early. What is it? Adam, good day. Adam got to school. I'll daddy be got to school. Bye bye. Hello guys. Good morning. Welcome to my sharing Kony ब्लॉग बहुत न्यू बार ब्लॉग बना रही हूँ एक्चुअली इसलिए आज हम लोग गई थी हॉस्पिटल और बच्चे को थोड़ा सर्दी है तो उनको दिखाने गई थी। दिखाने के बाद फिर सब ठीक है, वो जैसे टेंशन की कुछ बात नहीं। अभी कैसे क्लाइमेट ठंडी हो रही है, बारिश हो रही है ना पुणे में, इसीलिए बोलते ज़्यादा सर्दी है। बाकी कुछ कॉफ वॉफ जमा नहीं हुई, सब ठीक है बोले। और अभी हम लोग मेडिकल स्टोर में आए मम्मा पापा के साथ, मतलब इसको हॉस्पिटल में दिखा के अभी मेडिकल स्टोर में आए सामान ले रहे, इसके डायपर लेने के और आइसक्रीम तो पाउडर वगैरह कुछ भी लेने के, वही ले रहे टेबलेट वगैरह। तो फिर हम दोनों ऐसे गाड़ी में बैठी हूँ, आदम तो स्कूल गए थे पापा के साथ और मेरा जो भाई का बेटे है वो घर पर है, तो मम्मा पापा मेडिकल स्टोर में अंदर सामान ले रहे। और आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं बोली हूँ ब्लॉगिंग स्टार्ट करने, आप लोगों को कुछ अपडेट भी नहीं दी और आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ऐसे मैं सोचो डेली ब्लॉग अपडेट करेंगे तो आगे का देखेंगे क्या है। तो पूरा दिन भर का देखेंगे सोच रही हूँ और फिर बच्चे लोगों को आप लोग को मिलाएंगे। और मैं पूरी प्रेगनेंसी में ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब थी और ज़्यादातर मैं मुझे बेड रेस्ट ही बोली थी डॉक्टर ने सेकेंड टाइम, और मतलब सेकेंड टाइम में बहुत तकलीफ हुई इस बार और फिर इसलिए बच्चे लोगों को कुछ देखा भी नहीं पाए। और हॉस्पिटल में बहुत बार एडमिट भी हुई मैं भी इसमें, फिर लास्ट में 37 वीक में मेरी डिलीवरी हुई, बाकी सब भी ठीक है फिलहाल। इधर कैसे सो रही है मेरे गुड मेक बेबी है, इधर बेबी है, ट्विंची। हेलो गाइस, दिन भर आप लोगों को वीडियो बनाने को टाइम नहीं मिली मुझे दिखाने के लिए। एक्चुअली मम्मा अभी सब लोग गए बाहर, आदम पापा भैया भाभी, भैया भाभी का छोटे बेटी बेटू और हम दोनों अभी अकेले हैं, मैं और मेरा छोटा बेटा। तो फिर इसके पापा भी गए बाहर तो हम लोग का हालत देखिए कैसा दिखाते हो आप लोग को। इधर रो रहा है, इधर इस पर कपड़े कपड़े कपड़े, इधर बारिश बहुत हो रही है ना इसलिए कपड़े ऐसे हो रहे हुए।